हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। फ्रेंड्स, समर सीजन चल रही है। अगर समर सीजन में अगर कुछ ठंडा या खाने को या पीने को मिल जाए तो एकदम मजा ही आ जाता है। इसमें हमारा माइंड भी शांत रहता है और हमारी बॉडी भी रिफ्रेश फील करती है। आज एक हम ऐसी समर ड्रिंक बनाने जा रहे हैं जिससे पीते ही आप एकदम रिफ्रेश फील करेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं वाटरमेलन मोजीटो। फ्रेंड्स, अभी हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वाटरमेलन मोजीटो बनाने के लिए मैंने तरबूज के दो स्लाइस लिए हैं जिसको हम रफली काट लेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपको हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो या मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जैसे कि कोई भी मैं नई रेसिपी शूट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। अभी फ्रेंड्स, हम दूसरे दो स्लाइस लेंगे, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। दो स्लाइस को हमने रफली काट लिया था, अभी हम दो स्लाइस को एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ही वॉच कीजिएगा, आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, आपको तो पता है वाटरमेलन गर्मी में कितना ही फायदेमंद है, और अगर आप इस तरह से वाटरमेलन की ये आप ड्रिंक बना के पियेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और एकदम रिफ्रेश फील करेंगे। आप इसे रोज रोज बना के पियेंगे। वाटरमेलन को मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है और दूसरे को मैंने रफली काट लिया है। अभी जो मैंने रफली वाटरमेलन काट लिया है उसको मैं जार में डाल दूंगी। फ्रेंड्स, ये वाटरमेलन मोजीटो है ये बड़ी बड़ी होटलों में एकदम महंगा मिलता है और आने जाने का धक्का अलग, पर जब आप इस तरह से आप घर पे बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, सस्ता भी बनेगा और एकदम आप फ्रेश बनाकर पिएंगे और आपकी बॉडी भी रिफ्रेश हो जाएगी। अभी इसमें हम डाल रहे हैं 3 फ्रेश मिंट लीव्स, 1/4 चमची काला नमक, 2 चमची मैंने लिया है शक्कर और थोड़ा सा सादा नमक डाल देंगे। अभी सभी को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे और इसको अभी हम अच्छी तरह से एक छन्नी की छाल में छान देंगे। फ्रेंड्स, हमने 2 ग्लास में इसको सर्व करेंगे। 4 पीसेस लेमन के मैंने दोनों में डाले हैं और थोड़े से 8-10 पीसेस मैंने मिंट लीव्स के डाले हैं और ऊपर से जो हमने बारीक काट लिया था तरबूज वो इसमें हम डालेंगे और किसी मडलर के हेल्प से या किसी बेलन के हेल्प से इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे चिया सीड्स यानी कि सब्जा के सीड्स। अभी इसके ऊपर हम डालेंगे जो ये वाटरमेलन का हमने जूस बनाया था ना वो इसमें हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो इसमें आप इसमें 7-Up सोडा भी डाल सकते हो। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से आइस क्यूब्स और ऊपर डेकोर कर देंगे सब्जा के सीड्स और ऊपर डाल देंगे ये हमारे मिंट लीव्स और साइड में हम लेमन की स्लाइस से डेकोर कर देंगे और कुछ तरबूज के स्लाइस से। देखो फ्रेंड्स, कितना अच्छा हमारा वाटरमेलन मोजीटो तैयार हो गया है। आप इसको जरूर बनाइए और इंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।